नेत्र के लिए अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी लगना, और जो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना। पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना। लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। रखने के बाद चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को छोटी सी कटोरी में लेकर आ जाना है। प्रदोष काल के अंतर्गत नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत है। 1 कटोरी में जो तुमने चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है। नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए जो चश्मे वाले नंबर है उसको उतारने के लिए, दूसरा नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाए।